हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हिमालय की मेंटेड सिरप के बारे में। ये दवा न्यूरोप्रोटेक्टिव के रूप में जानी जाती है, इसलिए मस्तिष्क संबंधी कई समस्याओं में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि ये दवा मस्तिष्क संबंधी किन किन समस्याओं में काम करती है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस दवा के इंग्रेडिएंट के बारे में, जो है ब्राह्मी, अश्वगंधा, जटामांसी, तगार, वाचा, आंवला, हरितकी, ज्योतिषमती और शोनाक जैसे घटक है। ये इंग्रेडिएंट भूलने की समस्या को दूर करके याददाश्त को बढ़ाते हैं, दिमाग की कमजोरी और थकान जैसी समस्या को भी दूर करते हैं। दोस्तों कुछ हद तक ये दवा हल्के डिप्रेशन को भी दूर करती है। इसके अलावा ये दवा अल्जाइमर की समस्या में भी इफ़ेक्टिव है। और अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आता है या फिर निर्णय लेने में कठिनाई का अनुभव होता है, तो इसका नियमित सेवन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। और दोस्तों इस दवा की अगर डोज की बात करें तो 3 से 12 साल के बच्चों को 5 ml तक लेना चाहिए दिन में 2 बार, और 12 साल से बड़ों को इसकी मात्रा 10 ml के आसपास रखनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि जिन लोगों को अधिक डिप्रेशन या फिर मानसिक समस्या है, तो उसमें ये दवा इफ़ेक्टिव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आपको मनोचिकित्सक से परामर्श लेकर के प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेडिसिन संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हम आप तक पहुँचा सकें।